नवंबर का महीना खत्म होने वाला है मगर अब तक नोएडा एनसीआर के लोगों को पॉल्यूशन से राहत नहीं मिली। आज भी नोएडा के तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेप 4 के जो नियम थे उसको ख़त्म कर दिए गए। अब दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रहे हैं, सड़कों पे भारी जो वाहन होते हैं डीजल के वो दौड़ रहे हैं जिसके कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वही तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए अगर आप सड़कों पे देखेंगे तो किस तरीके से आपको धुंधलापन नज़र आएगा और जो पॉल्यूशन है वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। कुछ दिन बाद दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा मगर अब तक जो पॉल्यूशन से है लोगों को राहत नहीं मिल रही। नोएडा के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 भी दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा अगर कोई इलाका प्रभावित है नोएडा का तो वो सेक्टर 62 है, सेक्टर 29 है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और नोएडा का सेक्टर 74, 75, 76। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही ख़राब श्रेणी में है। आप देखिए किस तरीके से सुबह का वक्त मगर उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन का लेवल है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। सड़कों पे जो धुंधलापन है वो आपको दिखाई देगा। पेड़ पौधे अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं जो हरे दिखाई देने होते हैं वो आपको उस पर धूल जमी होगी क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो हवा चल रही है इसके अंदर जो धूल डस्ट पार्टिकल है वो अब लोग इनहेल करने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखिए जो पॉल्यूशन से लोगों को राहत है फिलहाल तो नहीं मिल रही। अब बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर जब बारिश होगी बारिश के बाद ही मौसम में थोड़ी लोगों को राहत मिलेगी। मगर ये सोचने की बात है कि नवंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, इसके बाद दिसंबर शुरू होगा। एक तरफ ठंड दस्तक दे रही है मगर अभी तक पॉल्यूशन का जो लेवल है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहां के लोग बहुत ज़्यादा परेशान, उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। खासकर देखिए ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो जिनको दमा है या जिनको पहले से ही सांस लेने में तकलीफ़ है उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सांस लेते हैं जब तो उनको खांसी आती है या आँखों में जलन होती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है या कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि ये जो जहरीली हवा है उनको अंदर से बीमार कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं, जो सुबह सुबह मासूम बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जहरीली हवा इनहेल करते हैं। हमने सुबह जब बच्चों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम जब बाहर निकलते हैं तो उनको खांसी की समस्या आती है और आँखों में उनकी जलन होती है और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको थ्रोट की प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर का सख्त हिदायत है, देखिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो चेहरे पर मास्क ज़रूर लगाएं क्योंकि अभी भी नोएडा एनसीआर की जो आबो हवा है बहुत ज़्यादा जहरीली बनी हुई है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।